Rose is red, red means hurt, hurt means love, and love means physics. So guys, with this great thought, I just welcome you all in my YouTube channel. And guys, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? हम इस वीडियो में सिंपली मैं तुम्हें ये बेसिकली क्लियर कर दूंगा कि हम कैसे फिजिक्स को पढ़ेंगे, what to study in physics, what not to study in physics, हम कैसे फिजिक्स में गुड मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, हम कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, 100% क्लियर हो जाए, हम कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे वे में सॉल्व कर लेंगे और कैसे हम फिजिक्स के फॉर्मूलाज को लंबे ड्यूरेशन के लिए याद रख सकते हैं। सो गाइस, इन सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइस, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग माय लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, हम फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं? सिंपली हम जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वैसे ही हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी रटते जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को भी रटते जाते हैं। मेनली बेसिकली होता है ये हमारे साथ कि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, ठीक है, या नहीं समझ में आता, उस कॉन्सेप्ट को तुम रीड करो, ठीक है, और बहुत टाइम्स रीड करने के बाद भी नहीं समझ में आता, जस्ट लीव दैट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्लास 8 में दिस पर्सन पढ़ाया जाता है और सेम वही टॉपिक क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो गाइज, अगर तुमको 8 में नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, तुम 9th, 10th, 11th, 12th एट दी एंड 12th तक समझ ही जाओगे, ये कन्फर्म गारंटी है, ठीक है। सो गाइज, अगर ऐसा होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा अभी, तो जस्ट लीव दैट, ओके। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ो ही नहीं और लीव कर दो, पहले उस कॉन्सेप्ट पूरे अपने 100% दे दो, तुम बहुत अच्छे से वेट करो, पढ़ो, टीचर्स समझो, बहुत सोर्सेज गेन करो, मतलब यूट्यूब से देखो वीडियोज, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो लीव करो यार, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। और फिजिक्स एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज होते हैं और फॉर्मूलाज, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हमें फॉर्मूलाज नहीं याद होते हैं। सो गाइस, फॉर्मूलाज को कैसे याद रखेंगे? सो गाइस, देखो मैं सिंपल है कि आई लव फिजिक्स, व्हाई? बिकॉज़ इसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, मैं उन फॉर्मूलाज को ट्रिक के बेसिस पे याद रखता हूँ, मैं फॉर्मूलाज को एक अलग वे में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं खुद से अपने ट्रिक बनाता हूँ फॉर्मूलाज के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूलाज को देखकर उस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है उसके लिए हम एक अच्छा सा निमोनिक बना लेंगे, ट्रिक बना लेंगे, जिसके हेल्प से वो फॉर्मूला हमारे माइंड में सेट हो जाएगा लंबे ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। सो गाइस, ऐसे भी करके तुम फिजिक्स में मार्क्स और फिजिक्स के फॉर्मूलाज, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। गाइस देखो, फिजिक्स में डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है, और फिर डेरिवेशन को भी सॉल्व करना रहता है हमें। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि फिजिक्स में डेरिवेशंस आते हैं, हमारा कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें फिजिक्स के डेरिवेशन रियली मैटर, क्यों? क्योंकि फिजिक्स के डेरिवेशन बहुत मार्क्स गेन करवाते हैं हमें, ये फेल और पास का जरिया होता है यार। अगर कोई स्टूडेंट फेल करता है ना, तो फेल करने वाला स्टूडेंट सिंपली डेरिवेशंस को रट कर पास कर जाता है एग्जाम में, क्योंकि डेरिवेशंस कंफर्म रहते हैं यार, 10 जो डेरिवेशंस है उसमें 3 कंफर्म है कि 3 आना ही आना है, अब 10 को याद करो 3 कंफर्म है, यही जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में कोई डेरिवेशन नहीं होता है, इसलिए केमिस्ट्री और मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिजिक्स टफ लगता है, बट अगर तुम डेरिवेशन को याद कर दो तो मार्क्स अच्छा स्कोर करवाता है, ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार। और देखो, कल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं फिजिक्स के, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए या फॉर्मूला, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास दोनों होने चाहिए ब्रदर, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और फॉर्मूला भी होना चाहिए, तभी तुम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया तुम्हें कि कॉन्सेप्ट कैसे गेन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं समझ में आता है फिर रीड करो, फिर नहीं समझ में आता फिर रीड करो, मैक्सिमम 3 टाइम्स तो रीड करो, ठीक है। और फिजिक्स को कैसे तुम पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ठीक है। देखो, फिजिक्स को पढ़ने का एक बहुत अच्छा वे मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। कोई भी चैप्टर है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन को पढ़ते जाओ, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज मिलेंगे जिसको तुम एनसर्कल कर लो, ठीक है। एनसर्कल करने के बाद उसको एक लिस्ट बना लो, एक पीडीएफ टाइप का तुम बना लो, उसमें रख लो, और वो फॉर्मूलाज तुमको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ में आ जाएंगे। मतलब तुम्हारे पास अगर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला के हेल्प से तुम उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ सकते हो यार, यही ट्रिक होता है पढ़ने का, जो कि एक कॉमन बच्चा को नहीं पता रहता है, कॉमन स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, ठीक है। और अगर ऐसे टिप्स उसके पास रहे ना, तो वो बहुत अच्छे वे में मार्क्स स्कोर कर पाएगा, क्योंकि फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस ये दिखता है टफ है, क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के थ्रू फॉर्मूलाज को रटना चाहते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते कि हम फॉर्मूलाज के थ्रू कॉन्सेप्ट को पढ़े यार, ऐसा करोगे तो पक्का मार्क्स स्कोर करोगे, क्यों? क्योंकि इसके दो फायदे हैं, तुम यहाँ से फॉर्मूलाज को भी याद रख लोगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा।
सो गाइस ऐसा करो, ये मेरा सजेशन है, बाकी तुम खुद देख सकते हो तुम्हें कैसे याद होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, तुम अपना कॉन्सेप्ट खुद बनाओ भाई, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम खुद से जो करोगे वो बेस्ट होगा, ठीक है। सो गाइस तुम अपना सोचो तुम कैसे करोगे। मैं तो ऐसे ही करता था कि मैं फॉर्मूलाज को याद करता था, उसके बाद कॉन्सेप्ट को देखते थे, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर भी ठीक है यार, जब कॉन्सेप्ट को पढ़े तब समझ में नहीं आया तो अब फॉर्मूला तो कम से कम याद कर लिए ना, फॉर्मूला को याद करके कॉन्सेप्ट समझेंगे, और मैक्सिमम 99% है कि फॉर्मूला को याद करके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, एक तीर से दो दो निशान हो जाएंगे, फॉर्मूला भी याद हो गया, कॉन्सेप्ट भी याद हो गया, ठीक है। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए ही ना, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए देखो कॉन्सेप्ट बहुत जगह नहीं यूज होगा बट फॉर्मूला तुमको बहुत जगह यूज होता है। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में जहाँ जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, सिंपली तुम फॉर्मूला लगाओ आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल थ्रू दिस वीडियो दैट फॉर्मूला को कैसे याद रखना है वो भी मैंने बताया, ट्रिक्स बनाओ, न्यूमॉनिक्स बनाओ, खुद से रिवाइज करो यार, तुम कैसे याद रख सकते हो वो बताओ। मैं क्या करता था, मैं एक पोस्टर्स बैनर्स टाइप का बनवा लेता था, बना लेता था, उससे चार्ट पेपर बना था तो उस पर लिख कर याद कर लेता था, अपने रूम में पेस्ट कर लेता था, उससे याद हो जाता था, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम खुद से डिवाइस कर सकते हो या तुम अपना ट्रिक खुद निकालो, कैसे तुमको याद होता है, कैसे तुम्हारे माइंड में फिट हो, तुम कैसे समझोगे वो तुम ही डिसाइड कर सकते हो, ओके। सो गाइज आई होप कि वीडियो समझ में आया, और जो भी मैंने टिप्स बताया थोड़े फास्टली बताया, बट अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख लो, बहुत अच्छे टिप्स हैं, और याद रखना अगर ये टिप्स फॉलो करते हो ना तो ये 110% है कि तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल बढ़ेगा एग्जाम में। तुम एक बार 1 month फॉलो करके देख लो यार, पक्का मार्क्स इंक्रीज करेगा तुम्हारे एग्जाम्स में, ओके। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक बहुत अच्छा सा स्वीट सा कमेंट कर देना यार कि कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम हुई वो भी कमेंट कर देना, और अगर तुम्हें कोई और टाइप का वीडियो चाहिए तो मैं वैसा भी वीडियोज बना दूंगा। सो यू जस्ट कीप कमेंटिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड गाइज अगर इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग माई लेटेस्ट अपडेट्स, ओके। और आज 7 February और ऐसे में 13 February तक वीडियो लाने वाला हूँ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कि आप कैसे फिजिक्स को पढ़ते हैं, जैसे आज था कि हम हाउ टू स्टडी फिजिक्स, कैसे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स हाउ टू फॉल इन लव विद फिजिक्स, हाउ टू फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोज लाऊंगा, ठीक है। मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे एक लिस्ट है डेट से टाइप का है, मैंने देखा डाल के रखा है, तुम जाकर देख सकते। एंड गाइज इफ यू आर सेइंग दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम देन गाइज जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे यार।